ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सर्दी का आगाज शुरू हो चुका है और कड़ाके की सर्दी, तेज ठंडी, सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरने का कारण बनी हुई हैं। लेकिन वहीं लक्सर शहर में रैन बसेरे के नाम पर छलावा हो रहा है और कागजों में बनने वाले रैन बसेरे अभी तक धरातल में नहीं दिख पाए हैं। जहां शहर में चिराग लेकर घूमोगे तो भी रैन बसेरा आपको कहीं नहीं दिखेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। रैन बसेरों के ना होने से रात गुजारने के लिए लोगों को रेलवे और बस स्टेशन पर खुद ही अलाव जलाकर रात गुजारनी पड़ रही है। शासन और कोर्ट की मंशा का शहर में अमल होता नहीं दिख रहा है। वहीं सामान्य जनता और यात्रियों के लिए एक भी रैन बसेरा ना होना अपने आप में ही चिंता का विषय है। जहां ठंड के दिनों में जब रात होती है तो लोग रेलवे और बस स्टेशन की पक्की फर्श पर कंबल आदि बिछाकर रात काटते मिलते हैं। वहीं कभी कभी ये लोग पुलिस की ज़ाती का भी शिकार हो जाते हैं और ज्यादा भीड़ देखते ही पुलिस लाठी पटक कर इन्हें भगा देती है। को बड़ी तकलीफ होती है। मैं स्टेशन पर देखता हूँ तो स्टेशन पर यात्री लोग आते हैं और रात में, आजकल तुम्हारा दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड भी बड़ी कड़ाके की है, तो उनके लिए कोई रैन बसेरा की व्यवस्था है नहीं प्रशासन के थ्रू। बस लकड़ी जला के माला इधर साइड में बैठ के चाय चुई पी के माला कैंटीन वगैरह पे बस वही टाइम पास करना होता है सर। प्रशासन के उससे कोई भी रैन बसेरे की यहाँ व्यवस्था है नहीं। सर तो है लेकिन वो चालू नहीं है, वो एक तरह खंडर के जैसा खंडर होता है ना, खंडर है ना, लाइट है ना, पानी है ना, कुछ नहीं है वहाँ पे। अपने ही कपड़ों का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। ड्राइवर आते हैं यहाँ पे, वो अपने कंबल का सहारा लेते हैं और अपने गाड़ियों में अपना पड़ जाते हैं। ना अलाव जलता है ना कुछ चलता है। नगर पंचायत से कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि लक्सर में प्रशासन और नगर पालिका द्वारा ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे मध्यम वर्ग के लोग रेलवे और बस स्टॉप पर रात गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिसके बाद लोगों का कहना है कि पूरे लक्सर शहर में एक नगर मालिक अध्यक्ष अमरीश गर्ग द्वारा ट्रक यूनियन की जमीन पर एक रैन बसेरा बनाया भी गया है। लेकिन वो बस एक दिखावा है जिसमें यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण आमजनों और यात्रियों को रेलवे स्टेशन का सहारा लेना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं है यार, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई, मैं तो इधर उधर घूम रहा हूँ, कहीं पे कोई रुकने का कोई इंतजाम ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई चीज़ नहीं मिल रही सर। मैं तो सब तरफ ढूंढ रहा हूँ, इधर भी देख के आ गया, उधर भी देख के आ गया, कहीं पे कुछ नहीं है रुकने के लिए। और मैं अभी हिमाचल जा रहा हूँ, अभी मेरी ट्रेन आने का समय आधा घंटा है और यहाँ पर मैं लक्सर स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर कोई भी यात्री का बैठने का सिस्टम नहीं है। सर छिपाने का, सर्दी का बहुत ज़्यादा समय है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है।
डॉक्टरों की सुविधा कराई जाती है, उससे आदमी को सर छुपाने के लिए जगह मिल जाती है, कोई नहीं देखने को मिल रही है अभी। हमें जालंधर जाना है और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी तरह का ठंड से बचने का कोई सुविधा नहीं है, पैसेंजर की पैसेंजर बहुत ज़्यादा परेशान है और वैसे भी ट्रेन सर्दियों में लेट चलती रहती है, ज़्यादा लेट होने की वजह से सभी लोग परेशान हैं और यहाँ के जो लोग हैं पैसेंजर जो हैं उन्हें स्थानीय लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो अलाव जलाते हैं स्थानीय लोग उनका सहारा लेना पड़ रहा है। हम नहीं कर रखे यहाँ पे ठंड से बचाने के लिए लोगों को, रैन बसेरे की कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड बढ़ रही है लेकिन यात्रियों के पास रुकने के लिए कोई भी बसेरा नहीं है। सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन वो सभी वादे आखिरी में हवा हवाई साबित होते दिखते हैं। लक्सर से अनिल वर्मा की रिपोर्ट, लाइव टुडे।